हेलो हाय वेलकम टू ब्लेसिंग्स टैरो आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल हैप्पी हेल्थी सेफ एन साउंड तो आज की जीका कार्ट रीडिंग है वो है जी फ़िज़िकल फीचर्स एंड आपके जो उस फ्यूचर्स पाउस हैं उनके फ़िज़िकल फीचर्स और उनकी जो लुक्स uh, हैं उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उनकी हैबिट्स नेचर ठीक है उसके बारे में होगा तो आपके सामने दो ग्रुप्स रखे हैं आप अपना ग्रुप चूज़ कर लें ग्रुप नंबर वन इज़ मैन होल्डिंग अ कोइन एंड ग्रुप नंबर टू इज़ मैन होल्डिंग अ हार्ट ठीक है तो जो ग्रुप आपको ज़्यादा ट्रैक्ट कर रहा है आप उसको मेडिटेट करके चूज कर लीजिए तो मैं आपसे आपके रीडिंग पर मिलूँगी हेलो हाय ग्रुप नंबर वन जी इन्होंने मैन होल्डिंग आपको इनका कहा चूज़ किया था देखते हैं कि जी कैसे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लुक्स उनकी नेचर उनका हैबिट्स किस किस्म के वो इंसान होंगे ठीक है तो ज़्यादातर फ़िज़िकल फीचर्स पे ये वीडियो है उनके फ़िज़िकल फीचर्स आ, लुक्स एंड आप कैसे उनको पहचानोगे ठीक है कि ही इज़ द वन फॉर यू तो अगर आप आ, हो सकता है आप अभी उनको जानते हो तो आप ताकि रिकगनाइज़ कर लो Okay, the emperor, six of swords, queen of hearts, king of hearts, queen of swords, three of cups. क्वीन ऑफ कप्स इतनी किंग्स एंड क्वीन्स हो टेम्पल्स इसके अलावा है फाइव ऑफ फॉट्स एंड फाइनली वी है जी तो ग्रुप नंबर वन आपके जो फीचर्स पाउस हैं पहली बात यह मैं आपको बताऊं कि ये ना थोड़े से आ, इनकी जो नेचर है आ, थोड़े से ये थोड़े से ज़्यादा नहीं थोड़े से बहुत ही टाइप हो सकते हैं आ, मतलब उनको पता है कि हाउ टू यू नो रूल द वर्ल्ड हाउ टू यू नो रन द हाउस घर कैसे चलाना है सबको कंट्रोल में कैसे रखना है कंट्रोल में मतलब कंट्रोलिंग नेगेटिव वे में नहीं मतलब डिसिप्लिन डिसिप्लिन बड़ा पर इंसान होगा ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन और घर को ऑर्गेनाइज कैसे रखना है को हर चीज़ या रूल के मुताबिक चले ठीक है ना तो कोई चीज़ बिगड़े नहीं घर की जो है कैसे आ, रखनी है केयर करनी है हर एक की हर एक को अपनी अपनी जगह पर रखना है ठीक है स्पेशली ये बच्चों से काफ़ी अटैच्ड होंगे आपके तो आपके दो बच्चे हो सकते हैं तो आ, बच्चों से आपके जो है काफ़ी अटैचड होंगे आ, उनकी केयर करना उनके स्कूल का ध्यान रखना उनके यू you नो know, जो भी उन बच्चों के मसले होते हैं जो उनको शॉपिंग पे जाना है उनको उनके काम है तो हर चीज़ पर ये देखिए ना कैसे ये यू नो इज सिटिंग देयर एंड लुकिंग टूअर्स द किड्स कैसे वो बच्चों को देख रहे हैं लेकिन यह है कि इनके हाथ में बॉन्ड भी है स्टिक भी है मतलब डिसप्लिन कायम रखते हुए कैसे बच्चों पर को ध्यान रखना है उनकी कैसी तरबियत कैसी उनकी ब्रॉटअप कैसे करना है ये स, इस तरह का इनको बड़ी इस चीज़ की होगी ठीक है अच्छा जी तो ये जो पर्सन है ये हो सकता है ये पीछे पास्ट में उनका पास्ट इतना अच्छा ना हो आपसे मिलने से पहले और अपने किसी पास से मूव ऑन किए हों तो आ, पीछे हो सकता है इनका जो भी रिलेशन रहा है वो इतना सक्सेसफुल नहीं था इनको यू uh, नो you know, थोड़ा uh, परेशानी थी वहाँ पर लेकिन वह वहाँ से मूव ऑन कर गए इनको कोई uh, वो पर्सन वो औरत या वो लड़की जो भी थी इनके साथ वो ठीक नहीं उनको लगी थी फॉर यू नो शादी के लिए लेकिन उन्होंने फिर आपको चूज़ किया आप uh, जो थी आप इनको रिश्ते में मिल सकती हो मतलब जब वो ये मूव ऑन के रिश्ते में थे तो आप इनका आपसे इनका टकराव हुआ हो, हो सकता है आप इनको हो सकता स्पॉट किया हो या आपकी कोई सी भी बात इनको अट्रैक्ट कर गई है मुझे यहाँ पर यह लग रहा है कि आपने उनसे कोई इंटेलेक्चुअल कोई बात करोगे कोई समझाने वाली कोई भी बात जिस जो उनके जब लाइफ के मिसाइल थे लेकिन आपने उनको कुछ ऐसा गाइड किया कि ऐसा उनको समझाई कोई कोई भी बात उनको क्लिक कर गई एकदम तो उन्होंने ही विल यू नो ही विल गेट अट्रैक्टिंग टू वर्ड यू और उनको आपकी बात कोई अच्छी लगी और उन्होंने सोचा कि बस अब जो है ना शादी मैं इसी से करूँगा क्योंकि पुरानी जो उनकी थी रिलेशनशिप उसमें ये चीज़ लैकिंग थी उस लड़की में ठीक है वहाँ इनके बहुत सारे झगड़े उसके साथ थे और बहुत सारे यू you नो know, बहस स्पेशल उस औरत की ना और जिसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं अपनी ज़ुबान बहुत लंबी होना और जिन्हें बहस करना हर बात में वो इनसे बहुत बहस करती थी और हर बात में इनको लड़ाई झगड़ा डीग्रेड करना और चिल्लाना शाउट करना और ये भी फिर आगे से फिर लड़ पड़ते ज़ाहिर है कब तक बर्दाश तो कोई बर्दाश्त करेगा इतनी बदतमीजी तो बहरहाल कोई बदतमीज साया था उनके साथ पीछे कोई तो बहरहाल ये उससे मूव ऑन कर गए और आप उनको रस्ते में मिले तो आपको आपने उनको बहुत केयर दिखाया बहुत आपकी स्पेशली आपकी जो केयर है ना केयरिंग नेचर और यू नो हम्बल पर्सनैलिटी एंड यू नो आपका थोड़ा सा आपका नेचर में सॉफ्ट टच है मतलब आप बहुत ज़्यादा मतलब आपके ना ये नेचर वाइज आप थोड़े सॉफ्ट हो दिल के तो आ, आपकी आवाज़ भी प्यारी हो सकती है आपको यू नो नेचर आपका हम्बल है आपका स्माइल स्वीट हो सकता है आप बहुत केयरिंग हो आप में से बहुत सारी लड़कियां हैं खाना अच्छा बनाती हैं बराबर जो भी चीज़ थी आपके पाँव बहुत प्यारे हो सकते हैं हाथ भी इवन ठीक है और यू नो आपका ड्रेसिंग सेंस और आपकी स्पेशली केयरिंग नेचर है ना इस पर इंसान आपके फिदा होगा ठीक है तो वो उसको क्योंकि पुराने वो ऐसे झगड़ालू सी को छोड़ के उन्होंने जब आपको देखा ना कि आप कितनी रिकनसाइलिंग हो कितनी आप यू you नो know, कॉम्प्रोमाइजिंग हो और कितना आप आ, नेचर आपका अच्छा है सॉफ्ट है तो फ़ौर कहेंगे भाई यही ठीक है मैं बहुत आंगूँ उससे ठीक है तो ये जो पर्सन है ये लुक वाइज लुक वाइज इज़ वेरी अट्रैक्टिव ये इंसान होगा ठीक है आ, इनका जो है कम्प्लैशन कम्प्लैक्शन इनका मुझे जो यहाँ पर नज़र आ रहा है कंप्लेक्शन uh, इनकी मीडियम टोन हो सकती है मीडियम टू थोड़ी सी फेयर ठीक है और ये है कि इनकी बॉडी मस्कुलर है मतलब मस्कुलर बहुत वो जो रेसलर्स होते हैं वो वाली मस्कुलर नहीं बट यू नो इज़ नॉट टू मच लीन बहुत ज़्यादा ये स्लिम नहीं है हड्डियाँ निकली हुई हैं ऐसे ये नहीं होंगे बट ये है कि uh, इनकी जो लेग्स हैं स्पेशली लेग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं और नीज़ ठीक है घुटने तो ये है कि इनके हाथ जो है ये थोड़े से ज़्यादा यू नो थोड़े से पफ़ी हो पफ़ी नहीं मतलब थोड़े से हेल्थी बहुत ज़्यादा बोनी हाथ नहीं ऐसे 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 जो ढांचा बना हुआ था वो उस तरह के हाथ नहीं है ठीक है तो बहरहाल और ओवरऑल इनकी लुक्स जो मुझे नज़र आ रही है आ, बाल इनके जा डार्क ही होंगे आ, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश टोन हो सकती है बालों की तो स्पेशली इनकी बैठने का पॉस्चर बहुत अच्छा है ठीक है जैसे जिस तरह ये बैठते हैं सोफा पर या यू नो चेयर पर या इवन ड्राइविंग सीट पर भी कई तो लुक्स वेरी सेक्सी सेक्सी तो ये बड़ी इनकी लुक बहुत यू नो बहुत ही एक मैग्नेटिक सी इनकी कुंग ऑफ वा, वनस ऐसे ही होता है तो बड़ा पावरफुल उनके देखते ऐसे पावर की फीलिंग आती और है और रिस्पेक्टफुल ये लोग होते हैं ठीक है तो बहरहाल क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्स भी है तो ये आपकी अभी आप भी मतलब लुक्स वाइज आप बहुत अच्छे हो यू नो लुक्स वाइज अच्छे होने का मतलब ये नहीं होता कि अब हम जो है मनुषी चिलर बन रहे हैं मिस वर्ल्ड हैं आप यहाँ वो मिस्टर वर्ल्ड है ऐसे नहीं, नहीं।, नहीं तलब, आ, मतलब क्वीन ऑफ वनस मतलब यू हैवे और ठीक है यू आपकी एक पर्सनैलिटी है और आपका जो पर्सन है ना आप दोनों एक जैसे हो गए आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है उनको उनकी भी बहुत अच्छी होगी ठीक है तो आप, आपको मतलब एक पावर पोजीशन में रहना पसंद है आपको पसंद है कि आप जो हो एक थ्रोन पर बैठी हो आपका मतलब हुक्मरानी तो नहीं बट यू नो यू लाइक कि अगर आपकी बात सुनी जाए उसको इम्पोर्टेंस दी जाए उनको उसको बात को माना समझ सुना समझा जाए ये भी ऐसे इंसान है ठीक है इसको भी पसंद है कि इनकी बातों को इम्पोर्टेंस दी जाए इनकी बातों को माना जाए इनकी बात आप उनको कुछ समझा जाए कि ही इज़ समथिंग तो इस किस्म की कि इनकी पर्सनैलिटी आप दोनों ही एक जैसी हो गए लेकिन आपकी नेचर में एक सॉफ्ट टच है यू आर वेरी केयरिंग पर्सन ठीक है ठीक है ये इंसान काफ़ी बैलेंस्ड होगा टेम्प्रेस कार्ड के साथ काफ़ी इनकी बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होगी मतलब ये नहीं कि एकदम गुस्से में आ गया और फिर वो और सब कुछ चीज़ें वीज़ें तोड़ दी हैं और फिर एकदम ही उनको प्यार आ गया और साथ ही माफियों पर आ गए ऐसा नहीं होगा इनका टेम्परामेंट बैलेंस है ठीक है टेम्परामेंट बैलेंस है लेकिन यह कि बहुत ऑर्गेइज्ड रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार इंसान है और एक और मैं आपको बात बतानी है बड़ी प्यारी और वो आपके सोलमेट की है ठीक है हाँ ऐसे बस बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपना सोलमेट तो ये आपका सोलमेट है आपकी शादी बहुत अच्छी होगी गिवेंटिंग देखिए एक पहला एक कप वो इसको दे रही है एक कप वो इसको दे रही है यानी कि आप दोनों मैंने आपको कहा है ना एक जैसे हो गए जो प्यार आप उसको देंगी ना वही प्यार वो आपको देंगी वापस ठीक है वो फ़ायदा नहीं उठाएंगे वो ऐसे नहीं करेंगे जी नहीं जी अब अगर इसने प्यार मेरे से मुझे दिया तो मैं क्या करूँ ठीक है मैं तो उसको उतना कुछ देता हूँ तो ठीक है कोई बात नहीं अगर प्यार इसने दे भी, ऐसा नहीं एक्नोलेज करेगा ठीक है बाद लोग होते क़दर नहीं करते है ना तो ये कदर करने वाला इंसान है आपकी ठीक है थ्री ऑफ कप्स के साथ आपकी लाइफ बहुत सेलिब्रेशन वाली होगी आपके कि आप इतने खुश हो जाओगे कि यू नो इसके साथ इनके साथ हर जिंद हर दिन हर दिन आपका हनीमून सेलिब्रेशन होगा ठीक है इनको ये इंसान किसी आ, ऐसी भी कंपनी में काम करते हो सकते हैं कि जहाँ पे इनको डेली इवेंट्स अरेंज करने हों तो ये इंसान आपको फूल फूल की मुझे बहुत नज़र आ रही है यहाँ पर फूल और छोटे छोटे गिफ्ट्स आपको ला करके देना और इस तरह छोटी छोटी बातों से खुश रखना आपको तो बहरहाल बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे ये रोमांटिक तो मुझे नहीं लग रहे हैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक जो लोग होते हैं लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है आपकी ज़रूरियात तमाम पूरी करेगा आपकी नीड्स आपकी यू नो फिज़िकल इमोशनल एंड यू नो हर किस्म की नीड आपकी पूरी करेंगे तो उनसे ज़्यादा मुझे आप रिस्पॉन्सिबल लग रहे हो तो आप ख़ुद बहुत रिस्पॉन्सिबल हो क्वीन ऑफ सोज हो तो बहुत आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी है और इनको चूज़ करना भी आपका बेस्ट डिसीजन लाइफ में होगा सही है तो रोमैस एंजल से देख लेंगी थोड़ा सा और हमें इनकी नेचर से का पता चल जाए रिट्रीट ओके ये इंसान जो है ना ज़्यादा ज़्यादा मतलब बोलने वाला नहीं होगा थोड़ा सा हल क्वाइट हो सकते हैं और यू नो वर्ल्डली जो अफेयर्स हैं दुनिया के सारे काम काज हैं जब ये घर आया करेंगे तो उसको छोड़ कर के आया करेंगे मतलब जो ऑफिस का काम है ऑफिस में छोड़ के घर घर जब आएंगे तो उनका पूरा टाइम आपका और आपके बच्चों के लिए होगा की ओपन माइंड ये पर्सन जो है जैसा आपने आ, मतलब आपके यूजुअल टाइप से डिफरेंट हो सकते हैं मतलब जैसा आपने सोचा हुआ है ठीक है थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं तो आप हमें अपना ओपन माइंड रखना है अगर इनके कुछ डिफरेंसेस हैं तो यू शुड रिस्पेक्ट इज डिफरेंसेस ठीक है तो क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है ही इज़ अ वेरी मैन ऑफ प्रिंसिपल्स बहुत ऑर्गेनाइज हैंगे तो आ, सेपरेशन आ, तो ये सेपरेशन का मैंने आपको बताया इनकी सेपरेशन हुई है पहले पहले से ये कुछ लोगों के केसेस में डिवोर्स ही भी हो सकते हैं लेकिन इस आपके लिए नहीं है मैं लेकिन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये किसी की बहुत ही पेनफुल इनका ब्रेकअप पहले हुआ है किसी से जहाँ ये खुश नहीं थे तो ये चीज़ उनके जहन में हर टाइम मतलब हर टाइम तो नहीं मतलब यू you नो know, एक उनका एक मेजर पार्ट उनके माइंड में बैठ गया होगा कि उस पिछले गंदे रिलेशनशिप का तो आपको जो है को यू नो यू डोंट हैव टू ऑलवेज यू नो की प्रॉबिंग क्वेश्चन आपने अनुसार वक्त नहीं करने के मतलब पुरानी आपने उनको पास याद नहीं करवाना ठीक है ना जो होगा ऐसा होगा कभी भी आप उसको पास्ट का ताना नहीं देना वर्थ वेटिंग फॉर पढ़ा ये पर्सन है आपका वर्थ वेटिंग फॉर है आपके लिए uh, yeah, काफ़ी ज़्यादा कुछ यहाँ लेकर आएगा और आपको ऐसे लगेगा कि मैंने अगर इसके लिए वेट किया है ऐसे इंसान के लिए तो इट वाज वर्थ इट ठीक है थोड़े से फिज़िकल फीचर्स मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं ये अगर आ, आपको फिज़िकल फीचर्स इनके थोड़े से मैं बताऊँ तो डार्क कम्प्लेक्शन वोलाइज डार्क कम्प्लेक्शन इनका थोड़ा सा हो सकता है आइज़ इनकी इनोसेंट आइज़ ठीक है जी इनोसेंट आइज इनकी हो सकती है आइज़ ओके ब्राउन बूट्स आप पहली दफ़ा मिलें तो हो सकता है उन्होंने ब्राउन बूट्स पहने हो या जो भी है उनको पसंद हो ब्राउन बूट्स कम्युनिकेशन जॉब किसी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जॉब में हो सकते हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन होती है या जर्नलिज्म या मीडिया ठीक है किसी मीडिया की कंपनी से हो सकता है काम करती हूँ किसी मीडिया में सोशल uh, मीडिया भी हो सकता है दाल, डाल डाल कंप्लेक्शन इनका हो सकता है ब्राउन टू डल डार्क थोड़ा सा साली करली हेयर इनकी हो सकती है करली या वेवी जो भी ले लें मीडियम टू लॉन्ग इनके हेयर हो सकते हैं सॉरी हाइट है ये काज हाइट के है तो मीडियम टू लॉन्ग इनकी हाइट हो सकती है ठीक है तो ओके इन अदर कंप्लेक्शन विटिश कम्पलेक्शन ठीक है जी विटिश कम्प्लेक्शन इनका हो सकता है ये डार्क विटिश ये इसी तरह का कंप्लेक्शन आ रहा है इधर ओके तो कंप्यूटर कंप्यूटर का इनका जॉब हो सकता है किसी कंप्यूटर से रिलेटेड नो ऑनलाइन बिजनेस ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग सही है ग्लासेस लगाते होंगे ठीक है कुछ लोगों के कैसेज में अगर नहीं तो इनको सन ग्लासेस लगाना उनके पास काफ़ी कलेक्शन होगी एंड अदर फेयर चले जी फेयर वाले भी खुश हो जाते हैं इनकी फेयर इनको फेयर का कलेक्शन पसंद है तो क्योंकि ग्रुप है ना काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं तो मुझे मेजोरिटी का शॉर्ट हाइट शॉर्ट हाइट भी हो सकती है इसकी सम मीडियम शॉर्ट बहुत शॉर्ट नहीं लग रही बट स्टिल मस्कुलर बॉडी मैं आपको पहले भी बताया मस्कुलर बॉडी इनकी uh, टैरों से भी आई थी बहुत ज़्यादा इनका ना बोनी नहीं आई डिपार्टमेंट से हो सकते ठीक है और कुछ निकालू uh, सॉफ्ट एंड वार्म हैंडस का मुझे बटैरों में भी आया था एंटुएशन इनके हाथ सॉफ्ट एंड वार्म होंगे ठीक है जब आप इनका हाथ पकड़ेंगे तो ऐसे है डार्क ग्रे आइज़ कुछ लोगों केसेज में डार्क ग्रे इनकी आइज़ हो सकती हैं ठीक है थीके? अब जिस किसके पर्सन की डार्क ग्रे आइज़ है मुझे बताइए हैं इट्स वेरी रेयर केस रोमेंटिक आइज ठीक है जी रोमेंटिक आईज एंड गाइस चैलेंज ये गर्ल्स इनके कुछ फिज़िकल फ़ीचर्स आपके पर्सन के तो आई होप आपको रीडिंग रेजोनेट की हो और पसंद आई हो अपना ढेर सारा क्या रखिएगा बाय बाय एंड आई लव यू इन्होंने सेकेंड कार्ड चूज़ किया था मैंने मैन होलिंग हार्ट का तो आ, देखते है, आपके है, 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 हैं आपके पर्सन ये टैरो है ठीक है इसके अलावा हैंडमेड कार्ड्स है ये उनके फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में जाने को ये हम बाद में देखेंगे तो पहले हम टैरोस वगैरह से देखें तो ये फिज़िकल फीचर्स स्पेशल आप आ, की रिक्वेस्ट आई थी तो आ, क्या आप कैसे पहचानोगे उनको क्या उनके लुक्स वगैरह एनीवेज हैं जी यहाँ पर हमारे पास क्वीन ऑफ पैनिकल्स फॉरस कैपिकॉन्स वेरकॉज है जी नाइट ऑफ सोड्स अच्छा ये लेब्रैक वेरीज वाले हो सकते हैं ये चायरेट कैंसर हो सकते हैं इनका सन साइन नाइट ऑफ कप्स अच्छा अच्छा नाइट ऑफ कप्स है यहाँ पर आ, हमारे पास वाटर साइन वाले कैपिकॉन टॉरस वर्गो एट ऑफ कप्स है हमारे पास अनदर वाटर साइन राइट सिक्स ऑफ पेनिकल्स हैं जी हर साइन टेन ऑफ पैंटिकल्स हर साइन फोलेज थ्री ऑफ कप्स आ गया है यहाँ पर वाटर साइन कार्स बहुत ज़्यादा फ्लिप और एनर्जी काफ़ी एनर्जेटिक बड़ा इंसान है जी आपका टावर <laughs> कार्ड ठीक है जी ये जो पर्सन है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि करेंटली अगर आप इनके साथ नहीं हो तो मैं आपकी इनकी स्टोरी बताऊं कि मुझे ऐसे लग रहा है कि उनका बड़ा पेनफुल ब्रेकअप अपने पुराने पार्टनर्स के साथ हुआ है या बहुत ज़्यादा उनकी लड़ाई झगड़ा हुआ है और उन्होंने छोड़ दिया इनको मुझे ऐसे लग रहा है कि उसने नहीं छोड़ा था आपके पार्टनर ने इनको छोड़ा है आ गई है कार्ड्स में वजह ये है कि आपके जो पार्टनर हैं जो आपकी फ्यूचर स्पाउस हैं पहले तो बात ही है मैं आपको बताऊँ वो एक वो इतनी एज का बंदा नहीं है ठीक है या आप गर्ल के लिए देख रहे हैं तो उतनी ज़्यादा एज नहीं है उनकी मुझे तो ज़्यादा ये ट्वेंटीज़ में लग रहे हैं अगर नहीं तो अर्ली थर्टीज़ ठीक है ना थर्टी वन थर्टी टू बस इससे ऊपर नहीं मुझे लग रहे हैं जिनकी बट एक्चुअली मसला ये है कि आपका जो पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मटीरियली वेल ऑफ है बहुत ज़्यादा रिच है इनका ऑन बिजनेस अपना बिज़नेस हो सकता है ठीक है अपने बिज़नेस एक नहीं बल्कि मुझे ऐसे लग रहा है इनके काफ़ी ज़्यादा बिजनेस हैं जो ये रन करते हैं इनके ना इनहेरिटेड बिज़नेसेस हैं अपने फोर फादर्स से इन्हों इनहेरिट जो है इनहेरिट इन्होंने किया है बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा तो ही ये है मेरा ठीक है रिच बहुत रिच फैमिली है ये आ, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर आई आपकी मदर इन लॉ के तौर से मुझे नजर में आई है तो शी ऑल्सो हेल्प्स हिम ये बिज़नेस मैटर्स ठीक है ऐसी आपका फैमिली है आपकी तो बहरहाल जो उनके आ, ऐसा ये ना दिल का बड़ा अच्छा इंसान है ये दान वगैरह बहुत करते हैं इन लोगों को मदद करना गरीब देखकर कर इनसे रहा नहीं जाता बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करना बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प करवा करना जो बच्चे गरीब जो बैगर्स वगैरह बेचारे बच्चे छोटे यू नो पुअर सड़कों पर फिर उनको रोक रोक कर पैसे देना उनकी हेल्प करना यू you नो know, उस, उस गाड़ी रोक कर वो जो अक्सर बच्चा आ जाता है फूल वगैरह देने गाड़ी में तो उसकी उसको रोक के गाड़ी यू you नो know, वैसे ही उससे बिलावे चीज़ें ख़रीद लेना और उसको फिर पैसे दे देना एक्स्ट्रा इस किस्म का ये नेचर है इसका ठीक है लेकिन इसकी अगर मैं नेचर दूसरी बताऊँ इनकी तो आ, ये बहरहाल ही बड़ा फास्ट इंसान है फ़ास्ट इन की कि मतलब फिज़िकल एक्टिविटीज़ में फ़ास्ट मतलब तेज़ है बड़ा यू नो मैं, मैं उन दिमागी तौर तो पे तेज़ नहीं कह रही क्लेवर की उसमें नहीं कह रही वाइब में फिज़िकली बहुत एक्टिव है एक्टिव, एक्टिव, एक्टिव इंसान बड़ा एक्टिव इनको तेज़ी से काम करना पसंद है जल्दी जल्दी उठो ये करो वो करो वो करो ठीक है लेज़ी नहीं है तो इन्हें दरवाज़ा आ गया मुझे बैठ के ना लेजी नहीं होगा तो ये बहरहाल ये इंसान आपको किसी दूसरी सिटी में मिल सकता है ठीक है यहाँ आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो उस दौरान इंसान आपको मिल सकता है ट्रैवल के दौरान आपको मिल सकता है काफ़ी यहाँ पर हॉर्सेज तीन तीन हॉर्सेज हैं डेफिनेटली ट्रैवल के दौरान आपको इंसान मिलेगा या किसी ट्रैवल एजेंसी में काम करता है या यू नो इनका कोई बिज़नेस इनका जो बिज़नेस है ना जो साइड बिजनेस भी इवन हुआ तो वो भी ऐसा है कि इसके लिए उनको बहुत ज़्यादा ना फॉरन कंट्रीज़ में जाना आना पड़ता है तो उनका ट्रैवल बहुत ज़्यादा है ये ठीक है तो बाद लोग वो होते हैं ना कि जिनका लगेज हर टाइम तैयार ही पड़ा होता है तो उनको कभी भी यू नो ही कैन मूव मूव तो वो उस तरह के परसेंटेज सही अच्छा नेचर मैंने आपको बताया इनकी बड़ी सॉफ्ट है बड़ा स्पिरिचुअल इंसान है स्पिरिचुअलिटी पे ये बिलीव करता है इनको भगवान से मोहब्बत है इनको यूनिवर्स से रिसीविंग मोड का इनको पता है कि हाउ टू तो रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स बहरहाल नेचर इनकी हार्ड मतलब स्ट्रिक नहीं है बिल्कुल भी इंसान स्ट्रिक नहीं होगा सॉफ्ट नेचर का होगा और यू नो हंसी मज़ाक और लाइट घर का माहौल लाइट रखना वो लोग एक सौ होते हैं ना अक्सर वो जो पूरी पूरे घर की जान होते हैं यानी कि यानी सबको खुश रखना ठीक है ना ऐसे इनकी नेचर होगी ठीक है लेकिन इनका जब भी ब्रे, करंट ब्रेकअप चला है ना वो उसकी वजह ये थी कि वो जो लड़की थी या जो भी यू नो जो भी, जो भी जिस जेंडर के लिए भी आप देख रहे हैं लड़का था वो बहुत अमीर था ये बहुत मतलब वो आ, वो नहीं अमीर था ये अमीर है ठीक है तो ये सिर्फ पैसे के पीछे तो उस वजह से इनके साथ ही कि अमीर है इनको मोहब्बत वगैरह कोई नहीं थी इससे ये बेचारे फिर भी यू नो ही इज़ वेरी इनोसेंट सी मुझे सिवाही बारी इतना चलाक इंसान नहीं है ये तो इनका दिल का अच्छा है ना तो ये यू you नो know, फिर भी उसको अकोमोडेट करता रहा लेकिन यू you नो know, जब उनको बिल्कुल हंड्रेड परसेंट यकीन हो गया ना कि तो मेरी सोलमेट ही नहीं है ये तो पैसे के पीछे थी मेरी को मैं मैं से कोई इंटरेस्ट ही नहीं है you know, मेरी यू नो मेरी भावनाओं में फीलिंग्स में कोई प्यार नहीं है मेरे से तो फिर यही जस्ट ब्रोक अप विथ हर राइट देर ठीक है देखिए ऐसा इंसान है कि ये नहीं किसने ब्रेकअप कर लिया तो दोबारा उसके पीछे जाएगा नहीं दोबारा नहीं हो जाएगा जो मर्जी हो जाएगी किंग ऑफ सोड नाइट ऑफ सोड है बहुत ही यू नो इमोशनली इनको ये बहुत एक्शन लेने वाला है ऐसे 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 लोग और दोबारा से बड़े पक्के होते हैं इंसान है एक दफा जो डिसीजन ले लें ले फिर ये नहीं सुनते किसी की ठीक है बहरहाल इनका उधर ब्रेकअप है अभी आपको जब मिलेंगे तो आपको किसी ट्रैवल के दौरान मिल सकते हैं आपकी बात इनको जो अच्छी लग सकती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हुए हैं वो आपके सॉफ्ट नेचर और आपका स्पिरिचुअल होना ठीक है आप हो सकता है उनसे कोई ऐसी वैसी बात कर दो आ, तो उनको समझ लग जाए कि शी इज़ माई सोल ठीक है शी इज़ वन अच्छा थोड़ा सा मोर देख लोजे फ्री योर सेल्फ ओके ये पर्सन वही है जिसने अपना यू नो आ, आ, इन्होंने आप अपनी लाइफ का कंट्रोल ले लिया वह उस पर्सन से जो पीछे था ना कि उनको तंग कर रहा इस टाइम टू टेक बैक द कंट्रोल ऑफ योर लाइफ इज़ फ्री नाउ ठीक है अब ये सिंगल है अब आपको मिलने वाले हैं ये कीप एन ओपन माइंड दो आपकी जो है इन्होंने आ, अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ कि मुझे ऐसा ही पर्सन चाहिए कुछ, कुछ 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 लोग होते हैं ना अपना उन्होंने अपनी इकलदा बना ली होती है ये भी हो ये भी हो ये भी हो उन्होंने ओपन माइंड रखा हुआ है कि जो जो मेरे को सूट करेगी जो मेरे को सोलमेट लगेगी वही मेरी अब होगी तो पे टेंशन तो रेड फ्लैग ये, <laughs> ये इंसान अब बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गया वह एनी वेज यू नो पीछे जो उनको साथ धोखा हो ना उसको ले करके ना अब उनको हर जगह रेड फ्लैग नज़र आता है कि यू you नो know, जो लड़की को भी अब देखते हैं अब उनको आगे से रेड फ्लैग ही नज़र आता है कि भाई uh, माफ़ कर दो जाओ। अच्छा एंगेजमेंट का ठीक है ये आपको एंगेजमेंट आपकी नियर है आपको जब मिलेंगे तो आपको तो वो बेचान नहीं जाएंगे ना आप सोलवेट हो उनकी तो मैं बाकी लड़कियों के बारे में बात करूँ लड़कियों से बड़ा ये बच के रहता है इंसान अच्छा कुछ फ़िज़िकल फीचर्स हैं मेरे हैंडमेड कार्ड्स हैं आप आ, देख लीजिए उनके फिज़िकल फ़ीचर्स ब्लैक हेयर इनके हो सकते हैं सही है जी ब्लैक हेयर हो सकते हैं कंप्लेक्शन इनके बहुत सारे केसेस uh, में वेरी डार्क ठीक है तो वीटिश कंप्लेक्शन वीटिश टू डार्क सही है आपको पता है कि बहुत सारे लोग ये देखते हैं ऐसा आपकी जनरल रीडिंग ही होती है तो यू नो हमें सबको सबका बताना है ना तो हेयर इनके डार्क ब्राउन भी हो सक डार्क ब्राउन टू ब्लैक सही है जी हाइट इनकी देख लें जी हाइट नहीं स्ट्रांग बिल्ड स्ट्रांग इनकी यू नो बॉडी स्ट्रॉन्ग हो सकती है मतलब वीक नहीं शक्ल सॉरी बॉडी वाइज वीक नहीं लगेंगे ठीक है स्ट्रॉन्ग बॉडी कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से हो सकते हैं किसी वीडिया एंड ऐसे या जहाँ कम्युनिकेशन का बहुत सारा है, रहता है यहाँ सेल्स डिपार्टमेंट बिज़नेस इनका गारमेंट्स का बिज़नेस हो सकता है इनका कोई ऐसा बिजनेस जहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं और उनको उनसे चीज़ें वगैरह सेल करने के लिए काफ़ी यूरो कम्युनिकेशन में है ऑनलाइन you know? उन्ला, इनका हो, है। हो सकता है ऑनलाइन हो सकता है बाइंग एंड सेलिंग का काम हो इनका फायरी ठीक है जी आंखों में की जी पढ़ाई आग होगी तो ठीक है जी ठीक आई ठीक है कुछ लोगों के केसेस में इनकी थिक आई हो सकती हैं साइंस के डिपार्टमेंट से हो सकते हैं कोई भी साइंस का डिपार्टमेंट किसी रिसर्च सेंटर में हो सकता है काम करते हो या कोई डॉक्टर हो सकते हैं इंजीनियर हो सकते हैं बिल्डर हो सकते हैं आर्किटेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे भी साइंस का काम है साइंस तो खैर आज कल हर चीज़ में इन्वॉल्व है इवन आई टी को भी लो या कोई बिजनेस भी लो तो वो भी यू नो ऑनलाइन किए बगैर काम नहीं करता वहाँ भी साइंस इन्वॉल्व होती है हर चीज़ में साइंस आज कल इन्वॉल्व है ब्यूटी इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं जी चले बरह एक ट्रेवलिंग काफ़ी इधर होगी आपकी ये जो भी इनोसेंटाइज ठीक है जी इनोसेंट इनकी आँखी है और ये बड़ा लुक्स में सॉफ्ट एंड वार्म हैं क्या बात है कि मस्कुलर बॉडी ठीक है ये ज़्यादा मुझे लीन बोनी सा स्ट्रक्चर इनका इतना शॉर्ट हाइट हो सकती है कुछ लोगों के केसेस में शॉर्ट टू मीडियम एंड स्लिम वेस्ट ठीक है स्ट्रांग बॉडी होगी बट इनकी वेस्ट जो है वो स्लिमर साइड पर होगी अच्छा जी लाइट वेवी हेयर सही है लाइट वेवी हेयर इनके हो सकते हैं फेयर कंप्लेक्शन व्हीटिश फेयर डार्क तीनों कंप्लेक्शन है एक्चुअली बहुत सारे लोग देखते हैं ना तो उसकी वजह से फिर नो you लीडिंग know, जनरल थोड़ी सी हो जाती है बेघाइस एंड लास्ट हम लेंगे ये ले, ले लेते हैं हेल्दी हेल्दी इंसान होगा ठीक है मेंटली भी और फिज़िकली मेंटली हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल फिज़िकली हेल्दी हो या ना हो भाई कोई मेंटली हेल्दी जो होना वो तो बड़े नार्सिसिस्ट और बड़े कार्मिक से है होते हैं मेंटली हेल्दी नहीं होते है, ठीक है जी तो आइए थे जी आपके फ़िज़िकल फ़ीचर्स आपके पर्सन के ठीक आए होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बाय बाय एंड आई लव यू